आज कुछ मीशो से मंगाया है, काफी बड़ा है। अरे कोई दरवाजा खोलो। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये YouTube चैनल। आई रियली होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्र का पहला दिन, तो आप सभी को ऋत्विक एंड फैमिली की तरफ से नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए आज नवरात्र का पहला दिन है और आज ही यहाँ बहुत अच्छी धूप खिली है, मतलब एक भी क्लाउड नहीं है। काफी टाइम से यहाँ सिर्फ बारिश और क्लाउड्स वगैरह हो रहे थे, तो वो सब हट गए हैं। आज सिर्फ धूप है एंड बिल्कुल क्लीन आसमान है। काम करने के लिए एकदम परफेक्ट दिन है। जैसे मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं, जमकर कपड़े धोएंगे। तो यहाँ से पहाड़ भी दिख रहे हैं, देखिए। तो रिद्धि चले गई है स्कूल एंड अब मुझे करने हैं बहुत सारे काम। सो फ्रेंड्स मैं सब यहाँ व्यू देखने आई थी एंड धूप बहुत ही अच्छी आई है। देखो तो अच्छी हो गई। तो चलिए फिर अब चलते हैं नीचे एंड करते हैं अपने सारे काम। अभी ब्रेकफास्ट भी करना है, मैंने फास्ट नहीं रखा है। तो चलिए चलते हैं, इनको भी कराती हूँ नाश्ता और करते हैं अपने बाकी के काम। फ्रेंड्स मैं यहाँ बाहर काम कर रही हूँ और ये आदि को देखिए, मतलब बिल्कुल आजादी मिल रखी है इसको। है कभी लिपस्टिक तो फिर कभी नेल पेंट वगैरह छेड़ रहा है। पिटाई करूँ कभी सिंदूर और लिपस्टिक लगा भी दी, मैं दिखाती हूँ कहाँ लगाई लिपस्टिक, दिखाओ। आज कुछ मीशो से मंगाया है, काफी बड़ा है, तो अभी दिखाऊंगी कि क्या आया है। ये देखिए, ठीक है थैंक यू। अरे कोई दरवाजा खोलो, को भी लेकर आ गए हैं अंदर। तो पटका ऐसे ये है रहा। दिस इज फॉर किचन, तो आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, मेरा काम फिनिश होने देता है। फ्रेंड्स आप शाम के 5 बज रहे हैं। आज दिन में काम वाम करने के बाद मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था ना, एक तो काम ऊपर से आधी परेशान कर रहा था, बार बार मेरी चीजें छेड़ रहा है। ये ड्रॉर्स में से कुछ ना कुछ निकाल निकाल के बस मेरी चीजों को छेड़ने में लगा था। एंड बस तनी शायद आज गर्मी भी ज्यादा थी तो मेरे सिर में दर्द हो रहा था। अब जाके थोड़ा सा मैं फील कर रही हूँ बेटर, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है फिर से। एंड यहाँ काम देखिए, ये वाइट कलर का ये मैट्रेस प्रोटेक्टर है, तो इसको भी धोया था। ये बहुत हैवी है तो धोना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इतना मोटे मोटे काम करे थे आज धोने धाने वाले, तो लेकिन धूप अच्छी आई थी इसलिए। तो अब इसको बिछाना है, देखो बेडशीट कैसी हो रही है। रिद्धि ने अभी कुछ रील्स वगैरह बनाई शायद अपने आप, तो ये फ्रॉक भी ऐसे कट के रखी है और बन गई बाहर खेलने के लिए अभी। एंड कल है रिद्धि का लास्ट एग्जाम एंड उसके बाद हम जाएंगे गाँव, मतलब कल दिन में ही हम गाँव को चले जाएंगे। रामलीला देख के आते हैं, थोड़ी सी एक दो दिन रहेंगे वहां पे, तो बने रहिएगा रामलीला वाले ब्लॉग में भी जरूर देखिएगा मेरे। एंड साथ ही साथ हाँ, अभी जो वो मॉर्निंग में पार्सल आया था ना, वो मैंने ओपन नहीं करा है, तो इसको बस ये बेडशीट वगैरह बिछाती हूँ, ये रूम ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद चलते हैं बाहर सीधा। और मैं दिखाती हूँ बच्चों ने देखो कैसे कर दिया यहाँ ड्रेसिंग टेबल का हाल, पूरा पाउडर गिरा गिरा के और ये इधर उधर सब चीज़ें तो नहीं क्या फैला रखी है यहाँ पे, तो ये सब भी ठीक करना है। ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन कर दिया है, तो चलिए अब चलते हैं बाहर। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये कुशन्स जो मैंने अमेजोन से मंगाए हैं एंड ये परफेक्ट मैच कर रहे हैं इस कलर से। क्रीम कलर के कुशन्स हैं एंड इसमें है पिंक फ्लावर्स जो कि इससे मैच कर रहा है, तो ये है कुछ इस तरह से। एंड अभी और भी चीजें मंगाई हैं काफी,
कुछ आई हैं कुछ नहीं आई हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ सीधा सबसे पहले ये। मैंने ऑर्डर किया था ये सब्जियों की बास्केट, सब्जी फ्रूट्स एनी अदर थिंग्स इसमें रख सकते हैं। एंड ये अच्छा है कि इसमें नीचे टायर लगे हैं तो इसको इजी मूव कर सकते हैं। तो ये मैंने परचेज किया है मीशो से 1050 रुपीज़ अराउंड। एंड मैंने अमेजोन में देखा था सबसे पहले, अमेजोन में इसमें 4 बास्केट्स हैं, 3 बास्केट वाला अमेजोन में सेम प्राइस था जो मीशो में 4 बास्केट वाला था, मीन्स अमेजोन में महंगा था। तो फिर मैंने मीशो से लिया एंड इसकी क्वालिटी इज़ वेरी गुड, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ इसकी स्टील, स्टेनलेस स्टील से बना है एंड अच्छा है ना है? हाँ, नीचे व्हील्स वगैरह हैं तो इजीली ऐसे मूव कर सकते हैं। एंड बास्केट्स इनके जो ये जो होल्स टाइप के हैं ना, यहाँ से जैसे लहसुन या फिर और छोटे मोटी चीज़ें जो है निकल सकती हैं, तो वो इस टाइप का नहीं है, मतलब काफ़ी ये छोटे छोटे दे रखे हैं लाइनिंग्स जिससे वो इजीली निकल ना पाए, क्योंकि काफ़ी मैं बास्केट्स देखती हूँ जो मार्केट्स में आती हैं उनमें काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के रहते हैं जिससे वो इजीली निकल जाते हैं नीचे की तरफ, तो वो इस टाइप का भी नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी स्टील क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर 1050 रुपीज़ अप्रॉक्स मुझे मीशो से मिल गया तो अमेज़ॉन से क्यों लेना था। तो अमेज़ॉन से नहीं लिया मैंने, अमेज़ॉन में भी सेम 1000 रुपीज़ में 3 बास्केट वाला था, एंड मीशो में मुझे मिला है ये 1050 रुपीज़ का 4 बास्केट वाला। तो मैंने इसको मीशो से परचेज़ किया है तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसे परफेक्ट फॉर माई किचन। फ्रेंड्स, इससे पहले मेरे पास था ये प्लास्टिक वाला एंड इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसकी जो फुट वाला एरिया था वो टूट गया था, तो मैंने ये जो ऊपर वाला, ये भी 4 पीस वाला था, तो इसके जो मैंने इसको 3 पीस वाला कर दिया एंड इसके ऊपर वाले जो ये लेग्स थे वो मैंने नीचे वाले में लगा दिए हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट वाले थे, तो ऐसे यूज कर रहे थे। एंड ये बहुत ही हिलता है, ये देखिए हल्के से में भी बहुत हिलता है एंड आदि इसको बहुत बार गिरा चुका है, इसलिए मैंने ये परचेज किया है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं अब हटाने वाली हूँ अपने किचन से और इसको लगाने वाली हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा अमाउंट में आलू प्याज वगैरह आ सकते हैं, एटलीस्ट 2 किलो 2.5 किलो तो आराम से एक बास्केट में आ सकता है, तो इस वजह से भी ये टोकरी बहुत अच्छी है। सो फ्रेंड्स, बच्चों को लग गई भूख तो इनको कुछ देती हूँ मैं खाने के लिए। एंड रिद्धि का कल लास्ट एग्जाम है कंप्यूटर का, उसके बाद मेरी टेंशन खत्म फाइनली, तो मैं जस्ट वेट कर रही हूँ, बस आज पढ़ाना है उसको एंड वो भी कंप्यूटर में सिर्फ 2 चैप्टर आएंगे तो मेरे लिए ईजी है। एंड ये दोनों के दोनों लगे हुए हैं, आलू बिल्कुल आलू 12 है, काउंट कर रही हूँ आलू 12 है। चलो हेलो बोल दो, हेलो एक रख देते हैं। आज सुबह से मैंने बच्चों को दिखाया नहीं है तो आज ये, अच्छा तो ये देखिए ये चिप्स तल रहे हैं अपने लिए, बनाते बनाते खुद भी खाओ। रेडी So this is for you. Yummy, yummy. Expression, देखो expression. Table खिसकाओ सीधा, हाँ. Practical work. And देखिए आदि को अपना work करना है computer में. और मैं दिखाऊँ उसने क्या लिखा है? तो ये देखिए ये. ये आदि का काम चल रहा है इसमें, है ना? इससे क्या कर दिए? और रिद्धि को टच नहीं करने दे रहा, रिद्धि का हाथ हटा रहा है। अच्छा छोड़ दे। ओहो सब छेड़ेगा। तो यहाँ आदि का ऐसा वॉक चल रहा है ना? अच्छा नहीं, अच्छा नहीं नहीं नहीं, डोंट टच रिद्धि। अब क्यों हुई? ये कौन है? और दीदी तो बोलो, नहीं यहाँ पे कहाँ है दीदी? दीदी तो ये चल रही है इनकी मस्ती। अब मैं कर रही हूँ कुकिंग, तो मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। सो फ्रेंड्स, हमारा डिनर भी हो गया, रिद्धि की पढ़ाई भी हो गई है एंड अब हमारी सोने की तैयारी हो रही है। आदि के बाल कहाँ, अरे इतने बड़े बाल हो गए ना, बस इधर उधर रहते हैं इसके बाल। और ये क्या कर रहा है? ये बेडशीट अच्छी लगी आपको? कितनी अच्छी लग रही है आदि को ये बेडशीट, पसंद आई?
वाह वाह बोलो कैसे बोलते थे अपने फिंगर क्या कर रही है कुछ कट कर रहा है कट कर रहा है पता नहीं क्या कर रहा है गंदी बात बैड हैबिट फोन क्या कर रहा है आपके हाथ में फोन लेके घूम रहा है सो फ्रेंड्स इनको सुलाती हूँ तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए तो मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना बाय फ्रेंड्स तब तक बाय बाय बाय